अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, सीए इंटर, सीएमए इंटर, एबीसी एनालिसिस फॉर मई ऑब्लिक नवंबर, जून ऑब्लिक दिसंबर 24 अटेम्प्ट। तो एबीसी एनालिसिस मई नवंबर जून दिसंबर 24 अटेम्प्ट। ये जो एबीसी एनालिसिस है, भगवान की दया से अब तक के जितने करते हैं वो सही निकल जाते हैं। ये एबीसी एनालिसिस आपने कब यूज कर लेना है, जब एटलीस्ट आपके दो रिवीजन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप एबीसी एनालिसिस यूज करें। एग्जाम के पहले ये कितना पढ़ना है और कितना संक्षिप्त में पढ़ना है, क्योंकि एक बात समझ के चलो, एग्जाम से पहले हम लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं नहीं। तो मालिक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यस, टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूं, टॉपिक वाइज आपने लिखते जाना। यस, मोस्टली आपका पेपर जो है वो इसी पे बेस्ड होगा। आप सभी को एक बार फिर याद दिला दूं, डीटी और आईडीटी का पेपर अलग अलग लिखा जाता है। अभी भी तीन बच्चों का कॉल आया पेपर देने के बाद कि सर मैंने आईडीटी में डीटी लिख के आ गया, डीटी में आईडीटी लिख के आ गया। मैंने बोला बेटा नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई कर लो, वो पेपर का कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात समझिए, वो पेपर चेक ही नहीं होता। तो डीटी का कंटेंट डीटी में, आईडीटी का कंटेंट आईडीटी में, और इसीलिए सब्जेक्ट के टीचर भी अलग अलग है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है, एक जगह विजय एक जगह यशवंत बहु, ये अपना अलग अलग कंटेंट है। अब एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं सर बेसिक टॉपिक की। सर बेसिक टॉपिक को अगर हम याद रखें तो इसके अंदर में आपको सबसे पहले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड इसके एक्सेप्शन याद रखने हैं। याद है कोई गणपति डांस करने गया था, तो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और इसके एक्सेप्शन। दूसरा आपको जो डेफिनेशन याद रखनी है थ्योरी पार्ट में, वो याद रखनी है असेसी की, असेसी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन ओल्ड एंड टैक्स कैलकुलेशन न्यू। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन न्यू में 115 बीएसी एंड 115 बीएई मुझे लगता है ये आपके बहुत काम आएगा। 115 बीएसी को तो रट के चल जाना, क्योंकि वो आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है। ठीक है, तो हर जगह पहले ये याद रखना कि 115 बीएसी में क्या होगा, फिर ये ओल्ड। आपको याद होगा हर चैप्टर में हमने इसके ऊपर एटलीस्ट दो दो क्वेश्चन सॉल्व कराए, विद 115 बीएसी क्या होगा, विदाउट 115 बीएसी क्या होगा। तो तुमने ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, क्वेश्चनेयर में मैंने भर भर के ऐसे क्वेश्चन डाले हुए कि विद विदाउट में क्या क्या होगा, तो वो देखते जाना। ठीक है, अच्छा जी, ये हुआ आपका बेसिक का पार्ट। बी, रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, फिर आता है सेक्शन 6(1A) डीम्ड रेसिडेंट नाम का कंसेप्ट, फिर आता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या था बेटा, बिजनेस कनेक्शन, याद आ रहा है क्या आपको? यस, बिजनेस कनेक्शन। अच्छा, बिजनेस कनेक्शन के अंदर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, व्हाट इज नॉट अ बीसी, क्या चीज बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यस, दूसरी चीज आपके लिए इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस का क्या ट्रीटमेंट होगा, मैं याद दिला देता हूं आपको। गवर्नमेंट से नॉन रेसिडेंट को मिले, रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को मिले, या नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को मिले फॉर बिजनेस इन इंडिया, दैट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और एफटीएस इज टैक्सेबल इन इंडिया, याद कर रहे हैं। यस, सी आपको आता है एग्रीकल्चरल इनकम। याद रखें नए सिलेबस के अंदर में एग्रीकल्चर इनकम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक, याद है आपको, एग्रीकल्चर इनकम इज अ पार्ट ऑफ बेसिक। इसके अंदर में आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले कंपोजिट स्कीम, कौन सा कंपोजिट स्कीम, एग्रीकल्चर वाला और अदर वाला, याद आ रहा है, टी कॉफी रबर के लिए 60-40, 65 वो वाला परसेंटेज एक याद रखना है। दूसरा, जो अदर का कंपोजिट स्कीम हम निकालते हैं वो वाला। नेक्स्ट, मेथड ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स ऑन स्टेप नंबर 1 एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डी, इसके बाद आपका चालू होता है सैलरी। यस, सैलरी में हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, परक्विजिट्स की। परक्विजिट्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कार, आरएफए, याद है तुमको, उसके बाद में गिफ्ट, ये वो परक्विजिट्स है जो मैक्सिमम टाइम पूछे ही जाते हैं, यस और नो। उसके अलावा सेल ऑफ मूवेबल असेट, यूज ऑफ मूवेबल असेट,
लीव ट्रेवल कंसेशन, एसी क्लास में गए तो इकोनॉमी क्लास तक का एग्जम्प्ट, फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जम्प्ट, वो वाला पार्ट। उसके बाद में आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट बनता है आपका ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के बाद बनता है प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड पेंशन वीआरएस। इसके बाद में आपका बनता है अलावेंसेस, एचआरए, एचआरए के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस, याद है ना तुम्हें, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलावेंस। याद रखिएगा, डिफॉल्ट स्कीम के अंदर में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का बेनिफिट मिलता नहीं, वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाते हैं। यस और नो, वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली टैक्सेबल, इंक्लूडिंग एचआरए में भी वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली टैक्सेबल। तो ये याद रखिएगा, अलाउंसेस में बस इतना ही काम का है। उसके बाद में आता है आपका डिडक्शन, डिडक्शन तो ऑल इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड में भी अवेलेबल है, न्यू में भी अवेलेबल है। यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स सिर्फ और सिर्फ कहां अवेलेबल था, ओल्ड। यस, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 115 बीएसई के साथ भी मिलता है, याद रखिएगा। सैलरी में इतनी चीज काम की, और जो बेसिक है, बेसिक के अंदर में सैलरी वाला कंपोनेंट याद कर लेना। याद होगा तो सैलरी कैसे निकालते हैं, या तो आपको मंथली स्कीम में दिया रहेगा या तो आपको ग्रेड पे दिया रहेगा, ठीक है। बस ये दो कंपोनेंट याद रख लेना, इसके अलावा सैलरी में कुछ मत याद रखना, बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो सैलरी में ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एचपी। ओ भाई साहब, फिर क्या आता है बोलो जल्दी से, एचपी। एचपी के अंदर में आप क्या याद रखेंगे, देखिए एचपी आपने बेसिक चालू किया था 22 था, फिर आपका था डीम्ड ओनर नाम का कंसेप्ट। यस, काम का नहीं है आपके लिए, काम का है एसओपी, मोर देन 2 एसओपी, पोर्शन एसओपी, पोर्शन एलओपी एंड एलओपी प्लस वेकेंसी, अरियर्स ऑब्लिक अनरियलाइज्ड रेंट, आईओबीसी खत्म। आईओबीसी जब मैं यहां लिख रहा हूं, इसका मतलब आईओबीसी का कैलकुलेशन जो हर जगह यूज होगा। तो एचपी में इतनी चीजें काम की। पबजी, वैसे पबजी पूरे इंपॉर्टेंट है कहने की बात नहीं है, स्टिल सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 43B, 41, 44AA, 44AB, 44AD, 44AE, 44ADA। एक एक करके जरा याद करने की कोशिश करोगे क्या, चलो दम लगाओ। 32 डेप्रिसिएशन, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, 43B एक्चुअल पेमेंट, 41 डीम्ड पीजीबीपी, 44AA फॉर अकाउंट्स, 44AB टैक्स ऑडिट, 44AD प्रिजम्प्टिव इनकम, 44AE जीटीए, 44ADA प्रोफेशनल। याद आ रहा है तुमको? यस। इसके बाद में सेक्शन 35, 37(1) साइंटिफिक रिसर्च एंड रेंडल डिडक्शन। यस, ये वो सेक्शन है जिनपे पीजीबीपी आपका पूरा का पूरा बेस्ड है। इसके अलावा कुछ रहे तो 40(3) एनी पेमेंट मेड टू अ पर्सन, कैसा याद आया, ये इतनी चीजें काम की है, इतनी चीजें करके जाने का। यस, पीजीबीपी में। अच्छा, जब मैं यहां पे डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं, याद रखिएगा डेप्रिसिएशन की पूरी सीरीज आती है इसमें। हाँ, तो ऐसा नहीं सिर्फ 32 पढ़ के जाओगे, जब मैं यहां 35 लिख रहा हूं, 35 की सीरीज आती है ब्रो, है ना, ऐसा नहीं 35 पढ़ के चले गए चम्मी कपूर। इसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। भाई साहब, सर कैपिटल गेन्स के अंदर में 45(2), 45(4), सॉरी 45(5),
50 सी, 54, 54 ई सी, याद दिलाता हूं पहले क्या, 50 बी, 51, एक एक याद दिलाता हूं। सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48, अब याद दिलाऊं धीरे धीरे। 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 45(5) कंपलसरी एक्विजिशन, 50C फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 54 ई सी एक्सम्पशन, 50B स्लम सेल, 51 एडवांस मनी फॉरफिटेड, सेकेंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 इंडेक्सेशन। क्या चीज बेटा? इंडेक्सेशन। इतने में आपका पूरा कैपिटल गेन कवर हो जाता। 5 IFOS, मैंने नहीं बताना, तुम्हें बोलो, बोलते जाओ। गिफ्ट का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड में कौन सा? 222E। डिविडेंड में कौन सा? 222E वाला कंटेंट इंपॉर्टेंट है। यस, गिफ्ट डिविडेंड, इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन। इस साल के लिए ऑनलाइन विनिंग कुछ याद है क्या? इस साल के लिए कैजुअल नहीं पूछेगा, हॉर्स रेस नहीं पूछेगा, ऑनलाइन विनिंग पूछेगा। तो ऑनलाइन विनिंग, इससे रिलेटेड TDS भी पढ़ा है हमने। यस, तो वो काम की चीज है, इतना पढ़ के जाना। IFOS के बाद क्लबिंग, ओ माय द गॉड्स, सेक्शन 60, 64(1A) और क्रॉस ट्रांसफर, और उसके बाद में हस्बैंड जो वाइफ को गिफ्ट देता है और वाइफ बिजनेस चालू करती है। मुकेश भाई ने नीता को, नीता ने मुंबई इंडियंस, हमने एग्जांपल लिया था। यस, तो 60 इज ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, 64(1A) माइनर्स इनकम, माइनर इनकम का जो 1500 रुपए का बेनिफिट है वो नहीं मिलता अगर 115 BAC लिया तो। यस, तो वो वाला कॉन्टेंट याद रखने का, क्रॉस ट्रांसफर और गिफ्ट, क्रॉस ट्रांसफर और गिफ्ट। शट अप है, दो सेक्शन, शेवंती, 71, बराबर है। 8th डिडक्शन, भाई साहब 8th डिडक्शन, सर डिडक्शन के अंदर में 80C, 80D, 80G, 80U, 80QQB, 80GGB, 80M, 80JJAA, 80C, LIC, 80D, Medical, 80G, Donations, 80U, Handicap, 80QQB, क्यू आखिर क्यू ये बुक्स बनाई, गो गो बिजनेस पॉलिटिकल पार्टी, ATM मेरा, ATM डिविडेंड्स, 80JJAA पुराने वाले एम्प्लॉय जा, नए वाले एम्प्लॉय आ, तो न्यू एम्प्लॉय, इतना आपके काम का है। एक एडिशनल में मैं बता के रख रहा हूं जो मेरे को लगता है आ सकता है, 80EEB, एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आने के चांसेस बन सकते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड नहीं है अगर आप डिफॉल्ट स्कीम लेते हो तो ये काम की चीज हो जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चार्ट ओपन करके देखोगे, इन सेक्शंस पे ऑलरेडी मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, वहां पे मेरा एक फोटो दिखेगा कैरिकेचर के साथ लिख के रखा है इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसके बाद में डिडक्शंस के बाद आपका है TDS, TCS, हाय 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 हाय, 194MNOP, QRS होना चाहिए ना, QRS, 100% पहले इसी में से बनेंगे आपको क्वेश्चन। उसके बाद में वो पारंपरिक तो है ही, चीजार,
ये पारंपरिक है, जो पुराने समय पुरातन काल से पूछते आ रहे हैं ये लोग। और टीसीएस के अंदर में 206C 1F 1G 1H याद होगा तो मोटर व्हीकल, फॉरेन रेमिटेंस एंड सेल। इसके अलावा 206AA 206AB 206CCA। 206AA पैन नहीं दिया तो हायर रेट पे टीडीएस काटना, 206AB सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा तो टीडीएस कट करना। याद आ रहा है क्या? इतना आपके काम का है टीडीएस टीसीएस में। 10th कोर टॉपिक बच रहा है, अबे बहुत है। सबसे पहले आरओआई, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले कर लेते ना। आरओआई में 139 आपके काम का है, किस किस को रिटर्न भरना है। 139(1) ड्यू डेट, 139(8A) अपडेटेड रिटर्न, 139(8A) अपडेटेड रिटर्न। मैंने आपको टीआरपी के बारे में बोला था गुरु, नवंबर 23 में पेपर में था वो, और मैं आपको बोला था ये आएगा, ये आएगा टीआरपी, आपको दिखेगा पेपर के अंदर में। 139 बेटा, 139 बी बकवास स्कीम फॉर फाइलिंग टीआरपी। पर सर वो तो नवंबर में पूछ लिया, लिख ले। ये लॉजिक मत लगाना तूने कि भैया वो अभी पूछ लिया तो अब नहीं पूछेगा, बिल्कुल ये लॉजिक मत लगाना, तू लिख ले 139(4) एंड (5) रिवाइज रिटर्न, बी लेटर रिटर्न। 100% आप एक क्वेश्चन पाएंगे 139A पे, पैन खत्म चैप्टर, इतना पढ़ना है। 11th टॉपिक एग्जम्पशन, सर 10(10D) टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP, टैक्सेबिलिटी ऑफ LIP एंड टैक्सेबिलिटी ऑफ यूलिप। मैंने आपको IFOS में पढ़ाया है, एग्जम्पशन में भी पढ़ाया है, जरूर आएगा। इसके साथ 194DA पढ़ना टीडीएस का, इसके साथ 194DA पढ़ना टीडीएस का। तुमको ऑलरेडी पता है तुम्हारा बुक इंटरलिंक्ड है रेगुलर फास्ट ट्रैक दोनों में, तो ये इसके साथ पढ़ना। और दूसरा 10AA, याद होगा तो 10AA नहीं मिलता अगर आप डिफॉल्ट स्कीम लेते हो तो, ठीक है? तो ये ओल्ड स्कीम के हिसाब से ही क्वेश्चन आएगा। 12th टॉपिक एडवांस टैक्स, 234B 234C एडवांस टैक्स ऑन कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। ये तीन कंटेंट तुमको एडवांस टैक्स में आएंगे, 234B 234C एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। AMT क्या ही बोलो, चैप्टर पढ़ लेना, चैप्टर पढ़ लेना। पर आप जानते हैं डिफॉल्ट स्कीम लेंगे तो AMT काम का नहीं है पूरा का पूरा चैप्टर, तो ये चैप्टर तभी पूछा जाएगा जब आपको ओल्ड स्कीम के साथ दिया जाए, और उसमें भी 35AD वाले एडजस्टमेंट हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, क्योंकि बचे हुए कोई भी सेक्शन वर्क नहीं करते, 35AD वर्क कर रहा है, उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको आ जाना है, काम खत्म। कोई और टॉपिक बच रहा है? 17 दिन, अरे ROI हो गया ना बच्चे, अच्छा मैंने नंबरिंग चेंज कर दी है, बाकी टॉपिक पूरे हो गए ना? कोई और हो गया? कोई और टॉपिक बचा है? पक्का? तो ये था आपका सर ABC एनालिसिस। लो जी सर, ABC एनालिसिस भी आपका खत्म हुआ। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक यू।